मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति को किए गए दान का फल कभी क्षय नहीं होता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का फल सामान्य से कोटि गुणा सुफलदायक होता है। मकर संक्रांति के दिन सफेद तिलों का दान करिए, शुद्ध देशी घी का दान कीजिए, कंबल का दान कीजिए। इन सब का दान विशेष महत्व रखता है। इन चीजों का दान करने वाले का मोक्ष होता है, जन्म जन्म के भटकने से मुक्ति मिलती है। वही मकर संक्रांति के दिन अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना, धन का दान करना सभी कष्टों से, सभी रोगों से, सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। वही मकर संक्रांति के दिन छाते का दान अवश्य कीजिए, लालटेन का दान अवश्य कीजिए, छड़ी का दान अवश्य कीजिए, खड़ाऊ अर्थात चप्पल का दान अवश्य कीजिए, क्योंकि यही दान मृत्यु के पश्चात में जब यमलोक का सफर तय करते हैं उस वक्त हजारों कोस चलना पड़ता है, सर्दी गर्मी बरसात, उसमें जो आप आज दान कर रहे हैं वही वस्तु उस वक्त आपको प्राप्त होती है। इसलिए दान करने में हिचकिएगा मत। जो भी जरूरत की सामग्री है, जो आपको और हमको चाहिए, उन्हीं सब चीजों का दान आज आपको करना है। मकर संक्रांति के दिन सफेद रंग के ऊनी वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। घर में शुभता का संचार बना रहता है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आते हैं। वहीं मकर संक्रांति के दिन गौशाला अवश्य जाइएगा, गौ माता को चारा खिलाइएगा, गुड़ खिलाइएगा, गौ माता को अपने हाथ से पानी पिलाइएगा, गौ माता को चद्दर उड़ाइएगा, गौ माता को रजाई उड़ाइएगा। आज से ही अगर गौ माता की एक चांदी की गौ माता बछड़े समेत घर में लाकर रख दें और उसकी पूजा करें, संतान से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति के दिन तिल मिश्रित जल से महादेव का अभिषेक करें, पूरे वर्ष काया निरोगी बनी रहती है। कैंसर, सर्वाइकल जैसी, डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारियों से मुक्ति मिलती है यदि मकर संक्रांति पर तिल मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मकर संक्रांति के दिन आपको तिल का दान करना है, अन्न का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, धन का दान करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने अहम का भी दान कर दीजिएगा, सर्वोत्तम दान रहेगा। साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपने आप को, स्वयं को परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देने से 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति मिलेगी।